प्रयागराज में इस वक्त मैं मौजूद हूं और प्रयागराज में लोक सेवा आयोग के पास जो है यहां पर कुछ अभ्यर्थी हैं वो रेंट पर यहां पर रहते हैं और पांचवा दिन आज हो चुका है। इन लोगों का प्रदर्शन आज भी यहां पर जारी है। पीसीएस का क्लियर हो चुका है कि एक शिफ्ट में एग्जाम होगा, लेकिन आरओ और एआरओ अभी भी संशय में बना हुआ है कि आखिरकार उसकी परीक्षा कब होगी, एक शिफ्ट में होगी या नहीं होगी। अब यहाँ पर कई सारे अभ्यर्थियों से हमने बातचीत की है, उन्होंने बताया कि कितनी मुश्किलों से वो तैयारी करते हैं, कितनी कठिन परिस्थितियों में वो यहाँ पर रहते हैं। तो ये जानने के लिए हम खुद यहां पर आ पहुंचे, लोक सेवा आयोग के पास ही रेंट पर कुछ बच्चे यहां पर रहते हैं, तो हम ये जानने के लिए कि आखिरकार वो कैसे रहते हैं। देखिए यहां पर ये राजापुर क्षेत्र है जहां पर मौजूद हूं, तो यहां पर कुछ बच्चे रेंट पर रहते हैं, तो हम परिस्थिति थोड़ा सा दिखाना चाहेंगे। मैं थोड़ा सा आपको इस कमरे के अंदर लेकर चलती हूं जहां पर जो बच्चे हैं वो पढ़ाई करते हैं और यहीं पर रहते हैं। तो ये एक कमरा है, आप ये देख सकते हैं, कमरे में पूरा मैप लगा हुआ है, बच्चे जो बच्चे हैं उन्होंने अपनी जो किताबें हैं वहीं पर रखी हुई हैं। और एक पलंग ये है, देख सकते हैं, एक पलंग इस तरफ आप देख सकते हैं, तो इसमें दो बेड और बाकी अपनी किताबें। और थोड़ा सा अगर मैं आपको पीछे दिखाऊं तो यहाँ पर जो है किचन बनाई हुई है, छोटी सी किचन बच्चों की, मतलब कह सकते हैं कि इनका गुजारा हो जाता है, अपना दाल भात जो है बना लेते हैं। कुछ अभ्यर्थी उनसे यहाँ पर बातचीत करते हैं थोड़ा सा कि कैसे वो यहाँ पर जो है रहते हैं। इधर देख, क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम शुभम कसौदन है, मैं अयोध्या जिले से हूँ। अयोध्या से हैं आप जी? अच्छा, कब से यहाँ पर रह रहे हैं? मैं 2022 से रह रहा हूँ। 2022 से जी मैम। मैं UPSC के तहत जितनी परीक्षाएं होती हैं सबकी तैयारी कर रहा हूँ, जैसे इसमें UPPCS हो गया, RO हो गया, ARO हो गया, सबकी तैयारी कर रहा हूँ। सबकी तैयारी कर रहे जी मैम। कितने साल हो गए? मैम अभी तो 2 साल हुए हैं। 2 साल से आप जो है तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं। घर में कौन कौन है और कौन क्या क्या करते हैं? मम्मी पापा क्या करते हैं आपके? मम्मी पापा, फिर मेरे घर पे एक छोटी सी दुकान है किराने की, मेरे पिताजी वही देखते हैं। ठीक है। ये जो रूम है इसमें आप अकेले रहते हैं कोई दो लोग, क्योंकि दो पलंग दिख रहे हैं मुझे लग रहा है। नहीं, मैं रहता हूँ, मेरा एक पार्टनर है, वो रहता है। एक और पार्टनर। क्या रेंट है इस रूम का? मैम इसका रेंट है 4,000। तो मतलब शेयरिंग हो जाता है 2-2 हज़ार, और बाकी का खर्चा वगैरह भी होता होगा जी मैम। तो वो कौन भेजता है? पापा कौन भेजता है? पापा भेजते हैं और भैया भी भेजते हैं। पापा और आपके भैया भी जी मैम। ठीक है। तो घर वाले कुछ कहते हैं, क्योंकि आप 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, कि अब कब तक और तैयारी करेंगे, कब परीक्षा क्लियर होगी, कब नौकरी लगेगी? ये तो मतलब साधारण से सवाल हैं जो हर घर वाले पूछते हैं अपने बेटे से, तो आपसे भी पूछते होंगे, क्या जवाब आप देते हैं उनको? प्रत्यक्ष रूप से तो मुझसे नहीं पूछते, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा दबाव मेरे पर पड़ता है, समाज से पड़ता है, मेरे घर वालों के बगल से पड़ता है, या कहीं ना कहीं मेरे पर पूछा जाता है हम लोगों से। वो भी तो है इसमें। दिक्कत होती है यहाँ पर आपको, क्योंकि आप एक ही कमरे में रह रहे हैं सब कुछ? मैम काफ़ी दिक्कत होती है यहाँ अकेले इसी रूम में रहना, 2-2 साल से रहना, मैम छोटे से रूम में रहना, तो काफ़ी दिक्कत होती है मैम, एडजस्टमेंट काफ़ी करना पड़ता है। एडजस्ट करना पड़ता है मैम। यहीं पर आपने किचन बनाई? ये मैम छोटा सा किचन है मेरा। आपकी किचन है, ये आपका बेड हो गया, और यहीं पर आपकी ये स्टडी टेबल है, यहाँ स्टडी टेबल वगैरह आपने बनाई हुई है जी मैम। तो क्या उम्मीद लेकर आप बैठे हैं, क्योंकि आपने पीसीएस का भी आपने मतलब देना है, तो उसका तो क्लियर होगा, आरओ आरओ और यूपीएससी का आपने और भी बताया कि और भी एग्जाम आप देते रहते हैं, एक लंबा इंतजार आयोग को लेकर भी आप क्या कहेंगे, जो एक लंबा इंतजार हो जाता है उनकी वजह से भी कहा जाता है, तो पेपर लीक होना, धांधलियां होना और एक्सटेंड होना बार बार डेट, ये लेट लतीफी पे क्या कहेंगे? मैम ये बोलते हैं कि जैसे हम लोग मैम तैयारी करते हैं, तो तैयारी करते समय काफ़ी हम लोग के पास चुनौती आती है, काफ़ी हम लोग को संघर्ष करना पड़ता है, तो आयोग को ऐसा होना चाहिए कि उन लोग की वजह से मेरे पर कोई संघर्ष ना पड़े, उन लोग की वजह से मुझे कोई परेशानी ना हो, उन लोग को हम लोग को मदद करना चाहिए सर। लेकिन ये आज समय में आयोग द्वारा कहीं परीक्षा टाल दिए जा रहे हैं, तो 2 शिफ्ट में कराया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं मैम हम लोग के लिए काफ़ी मतलब परेशानी हो जा रही है, काफ़ी परेशानी हो जाती है। तो अभी भी कोई भरोसा नहीं है कि मतलब कब तक यहाँ पे? मैम अभी तो भरोसा नहीं है, जब अभी तो लगे हुए हैं, जब सफलता मिल जाए। और किस तरह की आप दिक्कतें यहाँ पर महसूस करते मैम? और रहने का, खाने का, आर्थिक रूप से, मतलब घर वाले भी पैसे भेजते होंगे तो मतलब दिक्कत लगती है कि और कब तक हम मांगे? मैम हम लोग एकदम लोअर मिडिल क्लास से हैं मैम, अभी मेरी एज लगभग 21 साल हो गई है, अभी मैं अपने घर के ऊपर ही डिपेंड हूँ पूरा मैम। मैं कहीं भी मतलब कहीं भी जाता हूँ,
या मैम मैं कुछ भी मतलब खर्चा करता हूँ, मतलब हम लोग के पढ़ाई के लिए मैम काफ़ी डिस्टर्ब लगता है मैम, कि परिवार के ऊपर ही पूरा डिपेंड रहना पड़ता है मैम, हर तरीके से परिवार के ऊपर। यस मैम। और हम लोग की जो मतलब जैसे हम लोग तैयारी कर रहे हैं पीसीएस की, तो कहीं ना कहीं मैम उसके पीछे जो आयोग द्वारा मैम या हम लोग के द्वारा थोड़ा अनिश्चितता है, उससे भी काफ़ी परेशानी होती है। अनिश्चितता की वजह से दिक्कत होती है, बार बार पैसे मांगने में भी बुरा लगता है, 21 साल के हो गए हैं अभी भी उन पर डिपेंड हैं थोड़ा सा, तो आयोग को लेके भी क्या कहेंगे? सरकार ने जो फैसला सुनाया उस पर क्या कहेंगे? सरकार ने तो अभी तो मतलब पीसीएस वाला तो मतलब हो गया है कि मतलब एक ही शिफ्ट में होगा, लेकिन आरओ या आरओ के संबंध में सरकार द्वारा अभी कोई मतलब फैसला नहीं सुनाया गया है। आप भी प्रोटेस्ट कर रहे थे? जी मैम, मैं प्रोटेस्ट में था, अभी मैं आया हूँ कल, मतलब 3 दिन से, तुम्हारे 4 दिन से लगातार था, अभी भी जाऊँगा, अभी कुछ देर में आया हूँ खाना पीना खाने, थोड़ा पढ़ा हूँ, अभी इसके बाद भी जाना है हम लोग को प्रोटेस्ट में जाना है। थोड़ा ब्रेक लेके दोबारा से जी मैम कि मैम ये आर ओ आर ओ में जो भी मतलब नहीं एक ही शिफ्ट में कराई, मतलब 2 शिफ्ट की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं मैम ये अभी तो मान लो तो हम लोग को पीसीएस का देके हम लोग के मतलब थोड़ा हम लोग को संतावना दिया जा रहा है, लेकिन आर ओ आर ओ के संदर्भ में आगे ये मार्ग मैम फिर से प्रशस्त हो जाएगा कि 2 शिफ्ट में कराया जाए। अभी तो हम लोग को थोड़ा संतुष्ट किया जा रहा है, लेकिन आगे फिर हो जाएगा अगर आर ओ आर ओ वैसे ही कर देंगे हो जाएगा मैम, भरोसा नहीं है मतलब अभी हम लोग पर कोई भरोसा नहीं आयोग के ऊपर मैम, जब तक हम लोग की मांगों को पूरा नहीं किया जा सकता मैम। तो देखिए यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं ये प्रोटेस्ट में भी शामिल थे 4 दिनों से, थकार के अब थोड़ा सा ब्रेक लेके दोबारा से जाएंगे। दूसरा यहाँ पर आपने देखा कि एक कमरे में यहाँ पर ये रहते हैं, इन्हीं में ही मतलब 2 लोग जो है यानी कि 2 जो पार्टनर इसमें रहते हैं, एक छोटी सी टेबल पे एक छोटी सी गैस और छोटी सी किचन कह सकते हैं काम चलाने लायक यहाँ पर बनाई हुई है, और ये स्टडी टेबल आपने देखा यहाँ पर बनाई हुई है। तो आपने देखा किस तरह से किन परिस्थितियों में यहाँ पर रहते हैं, मात्र 2000 रूम रेंट जो है यहाँ पर इनका है, और घर वालों से पैसे मांगने में काफ़ी बुरा लगता है, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई के लिए पैसे या रेंट के लिए पैसे ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी उनको कुछ खर्च करना होता है, तो उनको लगता है कि कैसे पैसे मांगें। तो एक मानसिक रूप से जो पीड़ा है वो यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई देती है कि किस तरह से सपने उम्मीदें लेकर ये यहाँ पर पड़े हुए हैं, इस तरह से अपनी तैयारियाँ कर रहे हैं कितनी कठिन परिस्थितियों में, और ऐसे में जब पेपर लीक होता है या फिर धान्या जैसी खबरें सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं ये ज़रूर उदास होते हैं। यूपी तक के लिए प्रयागराज से सरिता तिवारी की रिपोर्ट।